आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बनाएंगे गणेश भगवान से रिलेटेड अपने गनु महाराज जी के लिए स्पेशल मोदक, जिन्हें मैंने पान से बनाया है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पान के कुछ पत्ते लिए हैं, ऑलमोस्ट 10 पत्ते हैं। देखिए, पान के पत्ते दो तरह के मिलते हैं। ये मैंने इस तरह वाला पान के पत्ते लिए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। इसके आपको आगे और पीछे से थोड़े थोड़े डंडल जो निकला हुआ है इसको आपको काट लेना है। फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े काट कर आपको इसको मिक्सी जार में या ग्राइंडर जार में डालना है। आप हाथ से तोड़ के भी इसे डाल सकते हैं, यानी रफली भी कर सकते हैं। आप सीजर की हेल्प भी ले सकते हैं, अगर आपके पास किचन नाइफ है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। सिर्फ इन्हें आपको रफली काटना है। तो काटने के बाद क्वांटिटी मैंने इसमें सिर्फ 5 पत्ते पान के लिए हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क मैंने ऑलमोस्ट 100 mg डाला है। और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 ड्रॉप फूड कलर के। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, बना रहने दें। और देखिए, ग्राइंड करने के बाद मुझे पेस्ट कुछ इस तरह से मिला है। मैंने एक खाली बाउल लिया है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच गुलकंद का, जो कि मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होता है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ कुछ काजू और बादाम के छोटे छोटे पीस किए हैं मैंने उन्हें। उसके बाद कुछ रोज़ पेटल्स, ड्राई रोज़ पेटल्स हैं, ये मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं। 1 बड़ा चम्मच सौंफ का भर के, इसकी क्वांटिटी आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद डालिए हैं ये मैंने बच्चों वाली मीठी सौंफ, देखने भी अच्छी लगती है। और जब हम अपने गनु महाराज जी के लिए बना रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल ही बनना चाहिए। चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। और दूसरी तरफ मैंने एक पैन को गैस पर रखा है और उसके अंदर मैंने 150 ग्राम नारियल का बुरादा लिया है, मार्केट में इजली अवेलेबल है। आप फ्रेश का भी निकाल सकते हैं। इसे बिल्कुल सेम आँच पर मैंने हार्डली 1 से 2 मिनट तक पकाया है, ज़्यादा नहीं पकाना है और एकदम कम आँच पे करना है, वरना इसके जलने के आसार रहते हैं। तो देखिए, अब ये हो चुका था और अब मैंने इसे ठंडा भी कर लिया था। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जो मैंने पान का और कंडेंस मिल्क का मिक्सचर बनाया था। तो चलिए, अब इसे इसके अंदर ऐड कर लेते हैं और अब हम इसे अच्छे ढंग से मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसके अंदर जो फूड कलर डाला है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। अगर आपके पास नेचुरल ग्रीन कलर है तो उसे डालिए, ये मुझे सैप ग्रीन कलर मिला है, पर चलिए ये भी अच्छा है। अब आप इसे अच्छे ढंग से मिला लीजिए और आपको इसको अच्छे ढंग से मिला देना ताकि हर कोई चीज़ें जो है वो इवनली इसके अंदर मिल जाए और कलर भी कोकोनट के साथ अच्छे ढंग से मिल जाए। मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सी मोदक से वीडियो बनाई थी, आप उन्हें भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, अभी बनके बिल्कुल पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब हमारे पास मिक्सचर पान वाला बनके बिल्कुल तैयार है, गुलकंद वाला भी तैयार है। कुछ मैंने डेकोरेशन के लिए चेरीज ली हैं, साथ में थोड़े से मैंने रोज़ पेटल्स लिए हैं और साथ में मैंने ले लिया है एक मोल्ड। ये मार्केट में बहुत ईज़िली अवेलेबल है, 15 से 20 रुपये में मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा महंगा भी हो सकता है, देख लीजिएगा आप। अब मैंने इसे अच्छे ढंग से देसी घी से ग्रीस कर लिया है और अब मैंने थोड़ा सा कोकोनट का जो मैंने बनाया था डो बनाया था उसे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छे ढंग से ऐड कर लीजिए, इसमें आपको खुद शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोल्ड बहुत अच्छी शेप इसे खुद ही दे देगा। तो चलिए, इसे दोनों तरफ आपने थोड़ा थोड़ा जो है ये जो डो है आपने कोकोनट का इसको लगाना है और बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली रखना है, क्योंकि हम पान के मोदक बना रहे हैं तो पान के मोदक के बीच के लिए हमें थोड़ा सा खाली जगह बनाएंगे, उसमें हमें ये गुलकंद को ऐड करना है। तो ये हमारा इस तरह से हमने इस पर स्पेस बना लिया है। और देखिए, अब हम थोड़ा सा गुलकंद वाला जो हमने बनाया है इसे हम लेगा, आप इसकी पहले से छोटी छोटी गोलियां बना के भी रख सकते हैं तो आपको ज़्यादा ईजली रहेगा। तो चलिए, फिर थोड़ा सा इसको इसमें ऐड कर लेते हैं, क्वांटिटी थोड़ी कम लीजिएगा और बस ठीक है। और अब आप इसे इसमें डाल दीजिए और अब इस मोल्ड को आप कर दीजिए बंद। मोल्ड को बंद करने के बाद आपका काम ख़त्म और मोल्ड का काम शुरू है। इसे अच्छे ढंग से प्रेस कीजिए, जो भी एक्स्ट्रा बाहर निकलता है उसे आप निकाल लीजिए। नीचे की तरफ से इसे हल्का हल्का दबा दीजिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा, अगर आपको लगता है कि पूरी प्रॉपरली बंद नहीं हुआ है तो आप थोड़ा सा कोकोनट वाला डो इसमें लगा भी सकते हैं। और इस तरह से जो हमारा
मोदक है, कोकोनट और पान का मोदक है, वो बनके बिल्कुल पूरी तरह तैयार है। और जब आप इसे खोलेंगे तो ये बिल्कुल एक मोदक की शेप ले चुका होगा। देखिए ये किस तरह से बना है। आप इसे हाथ से भी बहुत ईजिली बना सकते हैं। और इस तरह से ये हमारा एक मोदक जो है बन के तैयार है। दूसरे मोदक की तैयारी कर लेते हैं। बार बार आपको मोदक को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार करने की ज़रूरत है। इसमें मैं सबसे पहले रोज़ पेटल्स डाल रही हूँ, थोड़ा सा डेकोरेट किया जाए इसको। फिर थोड़ा सा आप इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं। आप तरह तरह से इसको बाहर से डेकोरेट कर सकते हैं। पिस्ता डाल लीजिए, कुछ ना कुछ डालिए जिससे ये बाहर से भी देखने में अट्रैक्टिव लगे। क्योंकि कोई भी चीज़ खाने से पहले वो बाहर से दिखने सुंदर ज़्यादा ज़रूरी होती है। और यहाँ पे तो हम गणेश भगवान जी के लिए बना रहे हैं, तो ये तो और भी ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए। तो चलिए, इस तरह मैंने इसे रोज़ पेटल से डेकोरेट कर लिया है और अब मैंने डो इसके साथ लगा लिया है। अब बिल्कुल पहले वाली प्रक्रिया को हम दोहराएंगे, थोड़ा सा स्पेस बीच में खाली करेंगे और उसके बीच में हम डाल देंगे गुलकंद वाला जो हमने बनाया था मिक्सचर, वो डाल देंगे। और अब हम मोदक को कर देंगे, मोदक को नहीं मोल्ड को हम कर देंगे बंद। अब मोल्ड अपना काम खुद करेगा, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है हम उसे चारों तरफ से निकाल लेंगे। तो देखिए थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा है उसे आप हाथ से निकाल के अलग कर लीजिए और नीचे से इसे अच्छे ढंग से प्रेस कर लीजिए। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा मोदक भी जो है पान मोदक बन के बिल्कुल पूरी तरह तैयार है। तो चलिए इसे एक बार खोल के देखते हैं। देखिए रोज़ पेटल से कितना सुंदर लग रहा है। दोनों तरफ से देख लेते हैं इसे खोल के, दोनों तरफ से एकदम परफेक्ट लुक आया है। तो ये बनके तैयार है। तो चलिए अब इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। पहले कुछ पान के पत्ते रख लिए जाएं और उसके बाद इन मोदकों को हम इसके ऊपर रखेंगे। अगर आपको ये मोदक की रेसिपी हल्की सी भी अच्छी लगी हो और आपको लग रहा हो कि आपको अपने गनु महाराज जी के लिए इसे बनाना है और यही आपको उनको खिलाना है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट में देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यकीन मानिए ये आपके गनु महाराज जी को बहुत पसंद आएंगे। आज के लिए इतना ही। जल्द ही एक नई रेसिपी, नई स्वीट डिश के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।